26 जुलाई 2008, 21 बम धमाके, देहला अहमदाबाद। 56 लोगों की हुई मौत, 200 से ज्यादा घायल। अहमदाबाद में 20, सूरत में 15 FIR दर्ज। 2009 से सुनवाई शुरू, सभी 35 FIR मर्ज। 6000 से ज्यादा सबूत पेश हुए। 77 आरोपियों पर चला केस। 49 आरोपी दोषी करार, 28 आरोपी बरी। 6752 पन्नों का सुनाया गया फैसला। 38 को फांसी की सजा, 11 को मिली उम्र कैद। अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में एक विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई है, साथ ही 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने सारे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग अलग जेल में बैठे हुए थे। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1,00,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए और मामूली घायल लोगों को 25,000 रुपए देने को कहा है। 38 एक्यूज जो है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा की है और 11 एक्यूज जो है उनको लाइफ टाइम की सजा की है और टोटल 285,000 का फाइन किया है टू ऑल दी एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 288,000 का फाइन किया है। 1,00,000 का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की घटना जब बनी तो ये गुजरात पुलिस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन गुजरात पुलिस की जो टीम थी वो सक्षम थी। इस केस के पीछे जो सुपरविजन अधिकारी जो कर रहे थे, जैसे हमारे DGP आशीष भाटिया साहब, अभय चुड़ासमा साहब, उनका जो टेक्निकल नेटवर्क था और ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो काफ़ी स्ट्रांग था और तपास के लिए जो टीम इकट्ठा की गई थी, गठित की गई थी, और तपास टीमों ने छोटी सी छोटी जानकारी प्राप्त की। केस के लगत छोटी सी छोटी जो कड़ी थी वो इन्वेस्टिगेशन में जो इम्पोर्टेंट थी उसको इकट्ठा किया गया। दूसरे राज्यों की एजेंसी थी उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया, अंत चार्जशीट करके प्रोसिक्यूशन के अंत पे इस प्रकार की सफलता प्राप्त की गई। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे। आतंकियों ने टिफिन में बम रख कर उसे साइकिल पर रख दिया और भीड़भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए थे। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। धमाकों से 5 मिनट पहले आतंकियों ने न्यूज एजेंसियों को एक मेल भी किया था जिसमें लिखा था, जो चाहो कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। चलिए एक नजर डालते हैं इस सिलसिलेवार हादसे पर। 26 जुलाई 2008, 21 बम धमाके, देहला अहमदाबाद। 56 लोगों की हुई मौत, 200 से ज्यादा घायल। अहमदाबाद में 20, सूरत में 15 FIR दर्ज। 2009 से सुनवाई शुरू, सभी 35 FIR मर्ज। 6000 से ज्यादा सबूत पेश हुए। 77 आरोपियों पर चला केस। 49 आरोपी दोषी करार, 28 आरोपी बरी। 6752 पन्नों का सुनाया गया फैसला। 38 को फांसी की सजा, 11 को मिली उम्र कैद। बता दें कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक केस में इतने लोगों को फांसी की सजा दी गई है। इस मामले में 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पूरे मामले में कुल 78 आरोपी थे जिसमें से एक सरकारी गवाह बन गया था, जिसके बाद 77 आरोपियों पर केस चला था। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में फैसला आया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।